Welcome student. Today we are continuing our exercise 1.3 and start question number 7. Question number 7 is, in a class test containing 10 questions, 5 marks every correct answer and minus 2 marks every incorrect answer. Yani 5 marks ke liye kitna hota hai? Correct answer ke liye 5 marks milte hain aur incorrect answer ke liye jo hai minus 2 marks aapke cut kar liye jate hain aur 0 marks milta hai question attempt nahi karne pe, theek hai? To question number first mein kya likha hai? Mohan gets 4 correct answer and 6 incorrect answer. What is his score? यानी हमें बताना है कि उसका score क्या रहा total. तो अगर हम उसके score पर जाएं, यानी उसने total 4 marks जो हैं, वो correct question किए हैं, तो उसके marks कितने होंगे? Correct question के लिए 5 marks मिलते हैं, यानी कि हम 5 का multiply कर देंगे 4 में, तो आ जाएगा 20, यानी 20 marks जो हैं उसके correct question के होंगे. अब इनकरेक्ट की बात करें तो इनकरेक्ट में माइनस 2 हमारे कट हो रहे हैं और उसने करेक्ट इनकरेक्ट आंसर किए हैं 6, तो 6 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा. तो 20 में से यहां पे माइनस का 12 आएगा, 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 8, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8. तो उसका टोटल स्कोर कितना रहेगा? 8. ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर ली तो सेकंड क्वेश्चन आप रीड कर लेना. सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि उसने 5 करेक्ट आंसर किए हैं, तो करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे? 5, तो 5 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया. ओके, अब अगर हम बात करें कि उसने इनकरेक्ट कितने किए, तो इनकरेक्ट भी उसने 5 किए, तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा. 25 में से 10 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 15. यानी कि उसका टोटल स्कोर जो है वो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 15 मार्क्स का, ठीक है. ऐसा ही क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका रहेगा, तो आपको लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा. आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को. क्या लिखा है? अ सीमेंट कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीस पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ 5 रुपीस पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड. यानी कि जो वाइट सीमेंट को बेचने पर 8 रुपीस पर बैग पर उसको प्रॉफिट होता है और 5 रुपीस पर बैग उसको ग्रे सीमेंट को बेचने पर लॉस होता है. तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स वाइट सीमेंट. यानी वाइट सीमेंट के जो हैं कंपनी ने 3000 बैग को बेचा और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचे, तो उसका टोटल लॉस और प्रॉफिट क्या होगा हमें ये बताना है. तो 1 बैग जो है हम देख चुके हैं 8 रुपीस का है और प्रॉफिट और लॉस कितना का है? 5 रुपीस का. तो बस सिंपल सी बात है कि हम 3000 में 8 रुपीस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24000 जो हैं वाइट सीमेंट के रहेंगे और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 में, क्योंकि ये ग्रे सीमेंट का है तो 25000 का हो जाएगा ये ग्रे सीमेंट का लॉस, ठीक है. तो अब बड़ा कौन सा है? तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो 25000 का ग्रे सीमेंट का था और 24000 वाइट सीमेंट का है, तो हम माइनस कर देंगे, यानी कि हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना. यहां पे आप देखो तो लॉस 25 का था, प्रॉफिट ये था, तो 1000. तो क्या हो रहा है? आंसर क्या आ रहा है हमारा? 1000, ठीक है. यानी ग्रे सीमेंट के बैग जो हैं वो 1000 रुपीस में बेचे होंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है. आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर ये इसी का सेकंड. तो ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको करना है, आप यहां पे देख सकते हैं. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन यानी फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, तो बहुत सिंपल है, आप पे बन जाएगा. यानी यहां पे लिखा है -3 इनटू ब्लैंक क्वेश्चन मार्क इक्वल 27, तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 27 आएगा, आ जाए वो भी पॉजिटिव का, तो माइनस का 3 है और माइनस का 9 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 97 जो होता है 27 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर. ओके, तो इस टाइप से ये बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं.